ओके आज का गेम गुजरात टाइटन वर्सेस पंजाब किंग। मैं ड्रीम इलेवन की टीम आपके सामने रखूँ, उसके पहले मेरे को आपके सामने यहाँ पे स्कोरबोर्ड रखना होता है पिछले गेम का, ठीक है। मैच खेला जाएगा बराबर में। देखो कल के मैच से हमें एक सीख मिली है कि बहुत दिनों तक आपको बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि पिचेस टूटती हैं। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप जो पिछले साल हुआ था वहाँ भी पिचेस टूटी थी, उससे पहले का IPL था वहाँ भी पिचेस टूटी थी। तो रन जो है कम होते जाते हैं जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे मैच होता जाता है। पिचेस में क्या होता है, पिचेस बैटिंग के लिए अच्छी होती है लेकिन दूसरी तरफ अगर कंटिन्यूसली मैच हो रहे हैं उस पर ब्रेकिंग जब पिच टूटती है तो उसको ब्रेक दोबारा रिपेयर करने का टाइम तो होता नहीं है। आप ऐसा तो नहीं है कि सीमेंट बिछा दिया और सीधी हो गई, नहीं होती। तो ऐसे में पिच जो है स्लो होती जाती है, पिच की मिट्टी जो है वो भुरभुरी होने लग जाती है और स्पिनर्स के लिए ग्रिप मिलनी शुरू हो जाती है। यही हमने कल देखा DY पाटिल के स्टेडियम पे जब दिल्ली कैपिटल्स का मैच था, किसके साथ था, लखनऊ सुपर जायंट के साथ। एक भी विकेट नहीं मिला फास्ट बॉलर्स को, सारे के सारे जितने विकेट गिरे, बहुत कम विकेट गिरे लेकिन जितने भी गिरे, तीन विकेट गिरे थे दिल्ली कैपिटल्स के, आई थिंक चार गिरे थे लखनऊ सुपर जायंट के, और सारे के सारे स्पिनर्स को मिले, एक भी फास्ट बॉलर को नहीं मिला। इवन स्पिनर भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा हैंडी कोई तगड़े स्पिनर थे, नॉर्मल स्पिनर्स आपके। इवन ललित यादव तक विकेट लेके गया दिल्ली कैपिटल्स का, कुलदीप यादव जो चलो फिर भी ठीक है एक अच्छा गेंदबाज है, ललित यादव भी विकेट लेके गया। और दूसरा जो है हमारा कौन विकेट गया, एक शार्दुल ठाकुर को मिला था फास्ट बॉलर में, वो भी आउटसाइड ऑफ स्टंप्स ओवर बॉल, वो छोड़ देते हैं। बाकी वहाँ से लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से कृष्णप्पा गौतम को विकेट मिले, रवि बिश्नोई को मिल गए। तो ऐसा नहीं था कोई बहुत अच्छा गेंदबाज रहा हो, कृष्णप्पा गौतम एक ऑफ स्पिनर है नॉर्मल सा। तो स्पिन है, ये बात ध्यान रखना, स्पिन है, स्पिन इंपॉर्टेंट प्ले करेगी। लेकिन ये जो ग्राउंड है ये ब्रैबन का ग्राउंड है, DY पाटिल नहीं है। DY पाटिल का जो ग्राउंड था जिसमें कल मैच खेला गया था उसकी साइड बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी बड़ी है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। साइड बाउंड्रीज का क्या मतलब है, स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री, कवर्स की जो बाउंड्री होती है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन सामने की जो बिल्कुल सामने है जहाँ पे साइड स्क्रीन होती है अंपायर के पीछे और बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे, वो बाउंड्री काफ़ी छोटी है। अगर आप सामने टक करके भी मारेंगे छक्का चला जाएगा, ऐसी है बाउंड्री। तो मेरे हिसाब से जो बॉलर्स रहेंगे फास्ट बॉलर वो ज़्यादातर शॉर्ट बॉल कोशिश करेंगे, और स्पिनर्स ऑब्वियसली बात है उनको तो अब धीरे धीरे मदद मिलनी शुरू होगी ही। तो ये बात का ख्याल रखना कि जैसे कि लोग के फर्ग्यूसन जैसा जो बॉलर जो क्विक फास्ट बॉलर होता है जो शॉर्ट बॉल अच्छी करते हैं वो इस मैच में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या शामी तो फिर भी चलो टप्पे पे करता है, सीम पे करता है, बाकी पंजाब किंग्स की तरफ से कौन है, रबाड़ा ऑब्वियसली बात है। तो वैभव अरोड़ा देखिए थोड़ा वैसा बॉलर, स्विंग कराने वाला बॉलर है, आगे कराता है, लंबी गेंद ड्राइव कराता है, तो इसको मैं इस हिसाब से इतना हाई रेटेड नहीं करूंगा। लेकिन बाकी के जितने भी टप्पे पे जो अच्छी गेंद डालते हैं, पेस है जिनके पास, बाउंस है, वो गेंदबाज थोड़े आपके लिए क्रूशियल हो सकते हैं। बाकी स्पिनर्स तो आपको पता ही है यार, क्या बोलूंगा उनके बारे में। खैर चलो पहले पंजाब किंग की शुरुआत करते हैं। अभी तक टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, गुजरात टाइटन का तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, दो में से जो दो जीते हैं, पंजाब ने तीन में से दो जीत लिए। और पंजाब की अच्छी बात यह कि बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है इनकी। क्या है इनके पास, इनके पास है मयंक अग्रवाल कप्तान, ऊपर से एक भी मैच में अभी तक नहीं चला है क्योंकि 50 नहीं है, 32 रन मयंक अग्रवाल को स्टैंडर्ड पे फिट नहीं होते। अभी तक के खेले गए तीन मैचेस में महज बनाए हैं इसने 37 रन। शिखर धवन की फॉर्म ठीक ठाक चल रही है, भानुकर राजपक्षा को बाहर कैसे करें, इनके पास लिया जॉनी बेस्टो, पूरी तरीके से अवेलेबल है प्लेइंग 11 में आने के लिए। क्वेश्चन कि कैसे लाएं टीम के अंदर, क्यों, क्योंकि राजपक्षे ने अभी तक कुछ खराब नहीं किया, राजपक्षे ने अभी तक इवन अच्छा ही किया है। तीन में से दो मैचेस में 43 और 31 राजपक्षे ने बना दिए, श्रीलंका का विकेट कीपिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा था इसलिए इन्होंने जितेश शर्मा को खिलाया अपनी टीम में राजबाबा की जगह, जो कि चलो ठीक है एक चीज़ हम सही मानते हैं, 17 गेंदों में आई थिंक इसने 17 ही खेली थी, 152 के आसपास, 152.33 अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि मैंने डेटा जब चेक करता हूं तो सब मुझे याद रहता थोड़ा बहुत, तो इसका स्ट्राइक रेट आता। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं, लियाम लिविंगस्टन ने कुत्ते की तरह मारा है, मजाक कर रहा हूँ यार, लियाम लिविंगस्टन ने बहुत अच्छे से मारा है, 60 रन बनाया इसने। उसके बाद नीचे शाहरुख की फ्लॉप है, ओडिन स्मिथ, हाँ यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखने वाली है आपको कि ओडिन स्मिथ, आइदर ऑफ ओडिन स्मिथ, आइदर ऑफ भानुकर राजपक्षा, ये दो ही ऑप्शन है इनको अगर रिप्लेस करना है जॉनी बेस्टो को, तो किसी की जगह अपनी टीम में लेके आना है, तो यही दो ऑप्शन है, किसी के साथ इनको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं तो फिर ये तो फिर क्या ही बोलूं, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन को अब बाहर नहीं कर सकते आप, 60 रन इसने बना दिए हैं और 60 रन के साथ साथ लास्ट गेम में ये दो विकेटें भी लेकर आया है, लेग स्पिन भी कर लेता है, ऑफ स्पिन भी कर लेता है, बहुत बढ़िया। नीचे आता हूँ, राहुल चेहर बिल्कुल एक्सेलेंट बॉलर, अर्शदीप पिछले मैच में दो ही ओवर करा पाया था क्योंकि आई थिंक चेन्नई के साथ इनका मैच था, जरूरत नहीं पड़ी थी अर्शदीप की, क्योंकि यहाँ से लियाम लिविंगस्टन ने काफी ओवर कर दिए थे, तीन ओवर कर दिए थे। रबाड़ा क्विक बॉलर, वैभव अरोड़ा स्विंग कर रहा है, ओडिन स्मिथ का थोड़ा मुझे इफी सा लगता है कि क्या करेंगे, और शाहरुख खान का देखना पड़ेगा क्या करेंगे। इंपॉर्टेंट पिक्स के ऊपर जाता हूँ, मेरा एक सिर्फ एक नाम बोलूंगा मैं इस मैच में जो इंपॉर्टेंट है, वो है मयंक अग्रवाल, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मयंक अग्रवाल की एक दिक्कत जो मुझे लगती है कि वो लंबी गेंदों पे ना थोड़ा फंस जाता है, कैच वैच भी देता है, पिछले मैच में अगर मुझे याद है तो कवर्स पे उसने या फिर गली के आसपास लंबी गेंद पे बल्ला लगाया, पहली गेंद पे चौका मार दिया था फाइनल लेग के आसपास, फिर लंबी गेंद पे चौका लगाया दूसरे मैच में, शॉट लगाया और आराम से एक सीधा सिंपल सा कैच दे बैठा था, तो लंबी गेंद थोड़ी सी उसकी दिक्कत आती है। मुझे लगता है इतनी लंबी गेंदें नहीं होंगी इस मैच में, लंबी का मतलब फुल गेंद होती है जो ड्राइव करने के लिए सामने पैर के पैर निकाल के आप ड्राइव कर सकते हो, वैसी गेंद इतनी नहीं होगी, तो मयंक अग्रवाल के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा। और दूसरा, मयंक अग्रवाल स्पिन को अच्छा खेलता है और स्पिन में इनके पास जो
अपोनेंट में आएगी वो गुजरात टाइटन्स आएगी। राहुल तेवतिया इनका इतना अच्छा स्पिनर नहीं है, लेकिन राशिद खान जरूर एक अच्छा स्पिनर है। लेकिन जो एक एडवांटेज जाता है मयंक अग्रवाल के पास वो ये कि राशिद खान को टीमें जो हैं काफ़ी लेट यूज़ करती हैं। राशिद खान आपने देखा होगा 17वें ओवर तक अपना स्पेल खत्म करता है, आखिरी के 2 या 3 ओवर जो इसके होते हैं ये 10 ओवर के बाद कराता है, एक आध ओवर कराता है ये 6वें ओवर के बाद से 10वें ओवर के बीच में। तो ये जो है राशिद खान को इतना फेस नहीं करेगा जितना कि इसको बाकी फास्ट बॉलर को फेस करने का चांस मिल जाएगा, जैसे कि मोहम्मद शमी या वरुण अरोन अगर होते हैं या फिर आपके लॉकी फर्ग्यूसन जो भी यहाँ पे ऊपर से आपको खेलता हुआ मिलेगा, या फिर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को तो ये अच्छे से धो सकता है, ऐसे वाले सिचुएशन मुझे इस मैच में लग रही है। खैर यहाँ नीचे आता हूँ, बॉलिंग से कौन इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग से रबाडा एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे को 3 चुनने, अगर क्योंकि वैभव अरोड़ा के साथ मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, 3 अगर मुझे चुनने पड़ रहे हैं तो मैं ओडिन स्मिथ को भी नहीं पिक करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं देगा। तो यही 3 बचते हैं मेरे पास, रबाडा, अर्शदीप और राहुल चैन, क्योंकि आप 2 से 3 बॉलर तो लेकर चलते ही हो अपने पास हर टीम में। तो ये 3 मैं इस मैच में लाइकली अपनी टीम में रखूँगा। अब यहाँ से आता हूँ गुजरात टाइटंस की तरफ से, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए पिछले मैच में बहुत अच्छी बात गिल ने रन बना दिए, 84 रन कम नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके लिए एक दिक्कत मुझे दिखती है, वैसे तो इनकी टीम में बहुत दिक्कत है लेकिन एक दिक्कत दिखती है अगर मैं ये तो, इनके पास ना पहले तो बेंच नहीं है, इनके पास बेंच में खिलाड़ी ही नहीं है इतने अच्छे। आप यहाँ पे देखेंगे बैट्समैन इनको आपको मिलेंगे ही नहीं, बैट्समैन प्रदीप सांगवान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जयंत यादव बॉलर, विधिमान साहब तो सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर देखो, गुरकीत मान सिंह चलिए काम चलाने वाले हिसाब वाली बात है, वही काम आप विजय शंकर से भी चला रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। डोमिनिक ड्रेक एक अच्छा ऑप्शन है इनके पास अवेलेबल है, वेस्ट इंडीज़ का लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, कटर सच्ची डालता है और बैटिंग भी कर लेता है, नीचे होल्डर की तरह बैटिंग कर लेता है, उतना लंबा नहीं है बट होल्डर की तरह बैटिंग कर लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है, फर्ग्यूसन को तो आप बाहर नहीं करोगे, राशिद को बाहर नहीं कर सकते, मैथ्यू वेट एक ओपनर आपको ओवरसीज खिलाना ही खिलाना है, और डेविड मिलर आपके पास बैट्समैन है ही नहीं कोई, और डेविड मिलर तो खेले खेलेगा, 4 तो ओवरसीज हैं ही, तो इसके लिए जगह नहीं बच रही टीम में। अब देखना ही पड़ेगा यार, विजय शंकर या तो रन बना दें या तो यार किसी यंगस्टर के साथ यहाँ से रिस्क ले ले, या तो अभिनव मनोहर को ही जिनको नीचे चांस दिया गया है, अभी तक 2 मैच खेले इसने रन नहीं बनाया लेकिन दोनों मैचेस में नॉट आउट आया है, को आप विजय शंकर की जगह ऊपर चांस दे सकते हैं, ये टीम के पास एक क्लियर ऑप्शन रहेगा। फिर जाके आप अभिनव मनोहर की जगह चाहें तो गुरकीरत सिंह मान को ला सकते हैं, ये टीम के पास एक ऑप्शन रहेगा। अभिनव मनोहर वैसे बाय द वे बता दूं आपको, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, बड़े बड़ी हिटें लगा देता है। खैर अब यहाँ से आता हूँ, मेरे इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है गाइस। मैं सीधा एक नाम लूँगा इस मैच में जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है मेरे से काफ़ी अलग जाए आप, वो है मैथ्यू वेड। मैं एक ही नाम ले रहा हूँ, मैथ्यू वेड बैटिंग सेक्शन से, और लेकिन मुझे एक चीज़ का डर लग रहा है यहाँ पे मैथ्यू वेड कि वो किसको कैसे खेलेगा। अगर मैथ्यू वेड टिक जाता है थोड़ी देर तक तो वो हमारे यहाँ से राहुल चहर को कैसे खेलेगा मुझे ये देखना पड़ेगा। थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि यार राहुल चहर के लिए मैथ्यू वेड को फंसाना बहुत आसान है, ये मुझे थोड़ा इफी लग रहा है। तो मैं कैप्टन के लिए सोच रहा हूँ यार क्या करूँ, वेड को बनाऊँ ना बनाऊँ, वेड के साथ रिस्क लूँ ना लूँ, मुझे वो थोड़ा दिक्कत लगी क्योंकि राहुल चहर के 4 ओवर मैथ्यू वेड को फेस करने ही पड़ेंगे अगर उसको कैप्टन बनना है मेरी टीम का। तो अगर वो टिक भी जाता है पावर प्ले निकाल लेता है, वैसे इतना बड़ा बैट्समैन भी नहीं है वेड, क्योंकि मेरे पास और ऑप्शन नहीं दिख रहे मुझे यहाँ से। शुभमन गिल को मैं नहीं बनाऊंगा इस मैच में, ठीक है, विजय शंकर तो बिल्कुल नहीं, हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग पूरी करके दे रहा है आपको, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, वेड ही एकमात्र ऑप्शन है। बाकी नीचे से ऑब्वियस बात है यार, बॉलर में तो कोई भी लॉकी फर्ग्यूसन आपका नंबर 1 ऑप्शन है, राशिद है वो कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ से पंजाब किंग्स की तरफ से देखूँ तो राजपक्षे को मैं नहीं बनाऊंगा, जॉनी बेस्टो आता है यहाँ पे तो देख सकते हो, धवन और मयंक अग्रवाल ये आपके पास ऑप्शन होंगे। बाकी मुझे यहाँ से कोई और नहीं दिख रहा एक्सपेक्ट कागिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह भी है, लेकिन अर्शदीप सिंह को लास्ट मैच में 4 ओवर तो मिले नहीं थे इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिर उसके बारे में, वरना होता आयतर कागिसो रबाडा यही ऑप्शन है। ड्रीम इलेवन की टीम के ऊपर आऊँ उससे पहले मुझे एक्सचेंज 22 के ऊपर आना है। ओके, अपकमिंग में पंजाब वर्सेस गुजरात टाइटंस, चलिए देखिए यहाँ पे मेरे को सेल के ऑप्शन में, मुझे आपको पता है हमेशा ज़्यादातर जो है कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी टीम में एक सेल का ऑप्शन लेकर आऊँ। देखिए अभी मुझे वो यहाँ पे देखिए वरुण अरोन के बारे में मैं सोच रहा था बट इसका रेट बहुत नीचे आ गया इसलिए अभी मैं इसके बारे में नहीं जाऊँगा, दूसरा मेरे पर डिपेंड करेगा प्लेइंग 11 क्या खेलती है। दूसरी बात, मैं तेवतिया के बारे में भी सोच रहा था लेकिन डिपेंड करता है वही प्लेइंग 11 में क्या खेलती है, क्या ये एक जो एडिशनल करेंगे या विजय शंकर को बाहर करेंगे वो डिपेंड करता है कि स्पिनर इनके पास कितने अवेलेबल रहते हैं, क्या किसी पार्ट टाइमर को लेकर आते हैं बाहर से या किसी और ऐसे बैट्समैन को लेकर आते हैं जो बॉलिंग भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आता हूँ मैं लिविंगस्टन ये रहा 43। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इस टीम ने प्लेइंग 11 में चेंज करे अपनी बॉलिंग कमी करी, मतलब सपोज ओडिन स्मिथ को बाहर करके किसी पार्ट टाइमर को ले आए जो बैटिंग भी बॉलिंग भी कर सकता है, फिर जॉनी बेस्टो खिला दिया, तो गाइज उस केस में लिविंगस्टन को बॉलिंग थोड़ी ज़्यादा मतलब 3 ओवर के आसपास मिलने के चांस है। लेकिन अगर चेंज नहीं करा, अगर ओडिन स्मिथ है या कुछ भी है, तो फिर ये ध्यान रखना कि लियाम लिविंगस्टन को ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी, पिछले मैच में मिल गई थी लेकिन इस मैच में फिर इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलेगी क्योंकि पिछले मैच में ऊपर से सीएसके के विकेट गिर गए थे मिडिल में लियाम लिविंगस्टन को लेकर आए थे जब धोनी खेल रहे थे आप सामने इनके।
बाकी नीचे से एक नाम ऐसा है वैभव अरोड़ा, अगर ये मुझे ऑफर सेक्शन में मिल गया मैं 100% सेल कर दूंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं है क्योंकि रेट इसका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, 27-21 मेरे ख्याल से लोग इसे सेल ही कर रहे हैं, तो मैं भी इसे सेल के लिए ही देखूंगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्रीम इलेवन की टीम के ऊपर आ जाता हूँ, एडिट करके सीधा ट्रीम दिखाता हूँ आपके सामने। चल जा भाई, नेट भी नहीं चलता है यार यहाँ पर, डिस्कार्ड चेंजेस एडिट। ओके, विकेट कीपिंग सेक्शन में देखिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, मैं तो कहूँगा वेड। जितेश शर्मा नंबर 5 पे खेलता है, विकेट कीपिंग कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता इसके साथ। जॉनी बेस्टो आता है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, और अगर जॉनी बेस्टो आ भी गया तो भी मैं मैथ्यू वेड के साथ जाना प्रेफर करूंगा। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, बैट्समैन की कमी। आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं आपको, कितने बैट्समैन अवेलेबल आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मनोहर, जिसमें से कि शाहरुख खान को मैं नहीं लूँगा यार, बहुत नीचे खेलता है मनोहर, 7 नंबर पे खेलता है, इसको भी नहीं लूँगा। अब लेने लायक कितने ऑप्शन बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 ऑप्शन है, 3 तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। मैं इनमें से 2 ही लेना चाह रहा था, मैं 3 ऑप्शन नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे तीसरा मजबूरी में लेना पड़ा, जिसमें से मयंक अग्रवाल मेरा एक परमानेंट ऑप्शन है। आप चाहो शिखर धवन ले लो, मिलर ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मत करना और वो बैलेंस बना के रखना। एक चीज़ मैं टीम का प्रीव्यू दिखाऊंगा, आपको लगेगी मेरे को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी लग रही है गुजरात टाइटंस से, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लिविंगस्टन को मैं ज़रूर लूँगा, हार्दिक पांडे को ज़रूर लूँगा, क्योंकि यार बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करके दे रहे हैं, दोनों ही मिडल ऑर्डर में 4 ओवर खेल रहे, 4 ओवर 4 नंबर बैटिंग कर रहे, तो क्यों ना लूँ, मुझे रीज़न ही नहीं दिख रहा ना लेने का। विजय शंकर को मैं इस मैच में रखना चाह रहा था, क्यों रखना चाह रहा था, क्योंकि मुझे चाहिए गुजरात टाइटन का मिडिल ऑर्डर। देखिए गुजरात टाइटन के पास मिडिल ऑर्डर में क्या क्या ऑप्शन है, विजय शंकर है 1 नंबर, 3 पे 4 पे हार्दिक पांड्या, 5 पे है डेविड मिलर, फिर 6 नंबर से तो लोअर ऑर्डर शुरू हो जाता है, 6 नंबर तो नहीं लेंगे हम बैटिंग में। अब इन 5 में से मेरे पे कम से कम मुझे चाहिए था कि मिडिल ऑर्डर में यार 1-2 बैट्समैन तो होगा। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, तो हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग से नहीं भी चला तो मुझे बॉलिंग में दे देगा पॉइंट, उसकी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं चला हार्दिक पांड्या सपोज़, तो पहला विकेट गिरने के बाद ही मेरे पास कुछ नहीं बचेगा गुजरात टाइटंस से, कुछ नहीं बचेगा। जो भी रन बनेंगे फिर ऐसे किसी के बनेंगे जो मेरे अपोनेंट में, जिसने ड्रीम टीम ज्वाइन करी होगी उसका बैट्समैन होगा, डेविड मिलर हो सकता है या फिर विजय शंकर हो सकता है, या अगर नंबर 6 तक बात चली गई है, मनोहर तक बात चली गई है, तेवतिया तक, तो वो हो सकता है। तो यही मुझे थोड़ा सा डाउटेड लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे चाह रहा था कि आइदर या तो मेरे पे वेड ना हो, या तो मेरे पे शुभमन गिल ना हो, मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन हो जो कि हो सकता था विजय शंकर या फिर डेविड मिलर, लेकिन मुझे मजबूरी में यहाँ पर लेना पड़ रहा है गिल को अपनी टीम में। वैसे हालांकि गिल और वेड दोनों को, मैं ये नहीं कह रहा गिल और वेड दोनों को, किसी एक को लेना चाहता था, लेकिन दोनों को मजबूरी में लेना पड़ रहा है क्योंकि मुझे वहाँ से दिक्कत आ रही है। दूसरा यहाँ पे जॉनी बेस्टो और भानुका राजापक्षा का भी क्लियर नहीं है, अगर भानुका राजापक्षा को यहाँ से बाहर करके इन्होंने जॉनी बेस्टो को खिला दिया तो फिर तो मेरे लिए और सर्दी बढ़ जाएगी कि मैं 3 बैट्समैन पूरे कहाँ से करूँ। फिर शायद मुझे यहाँ पर डेविड मिलर के पास जाना पड़े या शिखर धवन के पास जाना पड़े, तब वो चीज़ मैं करूँगा। बॉलिंग यूनिट से आता हूँ, राहुल चाहर मेरी टीम में 100%, लॉकी फर्ग्यूसन को भी रखूँगा, शमी के ऊपर डिपेंड करेगा मेरी टीम में रहेगा नहीं रहेगा, वो एक पॉइंट प्रूफ आपके लिए भी छोड़ा है मैंने कि यार आप पिक करना चाहते हो करो, बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। रबाड़ा को मैंने रखा, अर्शदीप सिंह को मैं जरूर रखूंगा अपनी टीम में, और कगिसो रबाड़ा। सिंह के ऊपर देखो ग्रैंड लीग वालों तुम्हारी नजर होनी चाहिए, बाकी किसी की होना हो लेकिन तुम्हारी होनी चाहिए। वैभव अरोड़ा को मैं एक बाहर कर रहा हूँ, 3 बॉलर कौन है, राहुल चहर 1, रबाड़ा 2, अर्शदीप सिंह 3, 4 है आपका वैभव अरोड़ा, 5 है आपका ओडिन स्मिथ, अब 6 लियाम लिविंगस्टन जो मिला कर, लियाम लिविंगस्टन तो है अपने पास, लेकिन के बाकी 2 जो बचे, ओडिन स्मिथ को 4 ओवर मिल नहीं रहे, नंबर 1 बात। दूसरा वैभव अरोड़ा ऊपर से बैटिंग करेगा पावर प्ले में, अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे इस टीम में मैथ्यू वेड है मेरे पास, गिल है, दोनों के दोनों ओपनर है। वैभव अरोड़ा पावर प्ले में बॉलिंग करेगा आपका मेनली ऊपर के बैट्समैन को, जो मैंने 2 ओपनर्स ले लिए हैं गुजरात टाइटन के लिए, तो वैभव अरोड़ा की मेरी टीम में जगह नहीं बची। ओडिन स्मिथ की इसलिए नहीं बची कि यार वो 2 ही ओवर कर रहा है, तो बचे हुए 3 गेंदबाज मेरी टीम में यही है। रबाड़ा 4 ओवर पूरे मिलेंगे, डेथ ओवर भी करेगा, अर्शदीप 4 ओवर इस मैच में लाइकली मिलेंगे, पावर प्ले भी करता है डेथ ओवर भी करता है, और राहुल चहर तो अल्टीमेट है, मैं तो सोच रहा हूँ ये वेड का विकेट कैसे लेगा। अब इसी टीम में देखिए मैंने फर्ग्यूसन को वाइस कैप्टन बना दिया है, लेकिन मैं बनाना यहाँ पे मैथ्यू वेड को चाह रहा था इधर कैप्टन और वाइस कैप्टन, वही दिक्कत आ रही है मुझे कि ये राहुल चहर को कैसे खेलेगा, बस मुझे उसका डाउट है यार कहीं राहुल चहर इसको फंसा दे, बाकी मुझे वेड पे इस मैच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। इस वीडियो में इतना ही यार, बाकी चेंजेस होते हैं तो करने पड़ते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को भी आएगी वो कि मिनिमम 3 बैट्समैन लेने की, और मुझे ये दिक्कत इसी मैच में नहीं आ रही है, मुझे बहुत मैचों में आई है। पिछले मैच में हालांकि पृथ्वी शॉ ने ठीक ठाक काम कर दिया था अपना, तो वहाँ पे बच गए हम, ठीक ठाक निकल गई थी मेरी टीम। खैर इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, Exchange 22 का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भरे पड़े हैं, टेलीग्राम में सब भरा पड़ा है, आ जाना बहुत ज़्यादा डिस्कस। अच्छा मैं टेलीग्राम में डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि यार टाइम भी देखना होता है, ठीक है। वीडियो यहाँ डाल दी, उसके बाद टॉस के बाद आ जाता हूँ, कल मैं टॉस के बाद नहीं आ पाया था, जिसका मुझे पता था पहले से मैं नहीं आ पाऊँगा, अवेलेबिलिटी का इशू होता था। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाकी टाइम वेस्ट क्या करें, गुड बाय, थैंक यू।